उधर गैर मियारी खोया बनाने वाले फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में बंद रोड पर वाके बट खोया यूनिट पर छापामार कार्रवाई की गई। 400 किलो जाली खोया, 16 किलो मुजरे सेहत घी, 100 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर और 40 किलो सूजी तस्कर के मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो कार्रवाई अमल में लाई गई है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से और गैर मियारी खोया बनाने वाले फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में आ गए। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में बंद रोड पर बट खोया यूनिट पर ये छापामार कार्रवाई की गई। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी कलीम, इस कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। अजी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने बंद रोड पर वाके बट खोया यून पर छापा मारा है, जिसके नतीजे में 400 किलो जहली खोया, 16 किलो मुजरे सेहत घी, 100 किलो स्कंद मिल्क पाउडर और 40 किलो सूजी तलब करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा 2 चूल्हे, 3 गैस सिलेंडर, 3 स्टैंडीज और 2 गंदे ड्रम और एक मिक्सिंग मशीन भी जब्त कर ली गई है। इस हवाले से मजीद बताया गया है कि इस्तेमाल शुदा नाफी फाइल में केमिकल्स और सूजी डालकर जली खोया तैयार किया जा रहा था, जो कि लोहे के जंग आलूद कनस्टरों में रखा जा रहा था। सूजी और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम समेत वहाँ मौजूद वर्कर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट भी अदम मौजूद पाए गए। मुजरे सेहत खोया तैयार करने पर अक्सर बदनामी शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। ठीक है कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका।